बहुत मनाने के बाद लेके आई हूँ मैं इनको, आ नहीं रहे थे है? अच्छे लग, इसी में के दिखा दो भैया, अच्छे लग रहे हैं ये तो बहुत छोटे हैं, छोटे हैं नहीं, सोना के तो खैर नहीं आएंगे, चार में दो ज़्यादा बड़ा है ना, उन चप्पलों के जैसे हो जाएगा ये देखो, आ तो जाए नीचे बन सका भी है, ये तो भैया ज़्यादा छोटा है, ये नहीं ये ब्लैक और ये इसके बराबर का ही है, इससे छोटा है कि बड़ा है ये, बड़ा देखो ना पीछे नंबर होंगे, नंबर देखना, नंबर तो 5 है इस पे जूते पे, तीन है और जूते का बड़ा था ये, कलर दूसरा दिखाओ और देख, ब्लैक वाले अच्छे लग, पकड़ने वाले ये चलते हैं, ऐसे वाले ये चलते हैं, इसी टाइप में दिखा दो नहीं, ये वाला अच्छा लग रहा है, हाँ ये आ जाए, हाँ तो और दिखाओ, इसीलिए तो हम इसी दुकान पे आते हैं, कितने का ये 280 वो बड़ा था ये छोटा था, ये सोना का सही आएगा, ये इसके नापो, हाँ सही आएगा, ये इस सीधा वाला निकालो, है ना बराबर ही है, बराबर है ना, छोटा बड़ा ना हो जाए, बहुत दूर अभी सुनील कॉलोनी से आना ना, ये थोड़ा बड़ा तो चल गया, घर भी अब नहीं, ये ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा पहन नहीं, ये सही है, हाँ बीच का दिखाओ क्योंकि इतनी दूर से फिर कैसे, ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा उसका पहन, चार नंबर दिखा दो, 8 नंबर है, 9 नंबर देख लो, ये 8 नंबर है, अच्छा लो, ऐसे में बड़े नहीं है, इसमें बड़े नहीं है, इससे दोनों के सेम एक जैसे ले लेती है ना, अच्छे तो लग रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, इसमें बड़े नहीं है भैया, नहीं बड़ी वाली के लिए मुझे से वो देख रहे हैं, इतने सारे दिखा, कितने के ये अच्छे लग रहे हैं, 250 के, और वो वाले वंशिका वाले जो अभी दिखाए थे तुमने वो 300 ये वाले ये नहीं, फिर ये पहले दिखाए थे इन्होंने भी, ये कितने के 300 वंशिका के लिए वो डिसाइड किए, ये दिखा दो ये वाले लिए, कौन से देखें, ये अच्छे लग रहे हैं, चलो मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो अच्छे लग रहे हैं तो वो ले लो, इसमें भैया बड़ी वाली के लिए तो बड़े वो जी 11 नंबर जी 13 नंबर है, अब 11 नंबर दिखाया था ना आपने, एक बड़ी वाली के लिए और इसमें का 11 नंबर दिखाया था आपने, और थोड़ा इनमें भी और अच्छे सुंदर सुंदर हो तो और अच्छे अच्छे दिखा दो, बड़े साइज में यही, बड़े साइज में यही और है नहीं, छोटे के लिए तो तो यहाँ पे मैंने जो बच्चों के चप्पल वो सैंडल वगैरह ले लिए, और इतनी चिलचिलाते कि धूप हो रही थी, ऐसे लग रहे थे लू चल रहे थे, गाल पे चांटे मार रहे हैं, यहाँ पे मैंने वंशी का वो सोना के लिए एक ड्रेस लिया है, मतलब एक हाफ बाजू का, मतलब एक शोल्डर का है और एक वैसा, ये देखिए इस तरीके से, वंशिका के लिए नहीं लिया है, वंशिका के पास काफ़ी सारे उनके कपड़े हैं, अभी मम्मी ने भी दिलाए थे, बहन भी लेके आई थी, और सोना के थे जो नहीं लेके
आए थे क्योंकि उनके छोटे आ गए थे तो इस वजह से। तो ये देखिए सैंडल दोनों के लिए हैं और बस इनको खींच के लेके आ गई थी मैंने। चलो इनके ये ना इनके इनकी दुकान पे कपड़े अच्छे मिलते हैं और ठीक मिलते हैं। ये देख रखे ना ये रेड और ये वाले लिए। और मैंने ना जब सैंडल लिए थे तो आपके साथ रियल आवाज़ रखी थी। आज मैं आपको बताऊं 4 बजे से उठी हूँ। हमारे पीछे ना वो दीदी हैं उन्होंने ना वो ठंडा पानी पिलाया था सबको। थोड़ी सी क्लिप बनाई थी पर अपने हस्बैंड के मोबाइल में बनाई थी तो वो अभी गाड़ी लेके चले गए और लेना भूल ही गई। तो इस वजह से उन्होंने बोला था प्रीति आ जाना वो क्या कहते पानी यानी ले लेना और थोड़ी सी मदद करवा देना। पर मैं गई जल्दी से नहा धो के और बस वहाँ पे जाने के बाद सारा काम लेट हो गया। नहीं तो मैं सुबह फुल एनर्जी के साथ उठी थी। फुल एनर्जी के साथ मैंने अंदर से लेके बाहर तक का सारा धोया है। और ये देखिए ये मैंने नया गमछा निकाला इनके लिए क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना। तो इस वजह से ये कपड़े मैंने भिगो दिए थे पहले ही जाने से पहले। और ये तो वो टंकी का पानी अभी पता है हमें गर्म जैसे हम कोई कपड़ा गर्म पानी में धोना चाहें ना तो अभी गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गर्म ऑटोमेटिक पानी हो जाते हैं। बहुत अभी गर्म पानी हो रहा है क्योंकि ये 12-1 बजे का टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ टाइम लग गया था। जितनी जल्दी उठी उतना ही मैंने काम तो बहुत फास्ट किया पर हो गया लेट। बाज़ार गए बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तो लेट होता चला गया। पर फिर भी मुंह धोया मुंह पे ऐसे लग रहा कितना खौलता हुआ मैंने पानी डाल दिया है। तो ये कपड़े मैंने धो लिए हैं बाथरूम में से पानी निकाल देती हूँ। और ना पता है जो मेरी पेटीकोट साड़ी जो नीले वाले मैंने धोए हैं पहनी थी साड़ी वो आप लोगों को अच्छी लगी पर कलर पेटीकोट का साड़ी का बहुत उतर रहा था बाथरूम में जम गया है। अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी वो फ़र्श। आप ऐसे तो झूठा समझेंगे फ़र्श को दिखाऊंगी फ़र्श आप खुद देखिएगा कितनी उससे मतलब वो हो रहा है। अभी जितना काम है अभी ना 5 या 6 बज रहे होंगे। हाँ ऐसे ही बज रहे हों देखिए सूर्य धूप कम होती जा रही है अभी तो 6-6:30 बजे काफ़ी धूप रहती है। ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे कपड़े हो गए थे एक टब भर के हो गए थे। जब नहीं धुल पाते तो जब टाइम मिलता है देखिए तभी धो लेते हैं। हम हाउस वाइफ हैं पड़े रहें वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद की है तो कपड़े पड़ गए। चलिए नीचे चलती हूँ और मैं आपको बाथरूम की टाइल दिखाऊँगी कितनी बुरी तरीके से वो हुआ है। और देखिए मैंने अभी इनकी साइकिलें उठा के रखी हैं और ये फिर चलाने लग जाएं फिर मैं भी सोचती हूँ बच्चे हैं बच्चे नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा। पर अभी ये सारा काम करके मैं खाने पीने में लग जाऊंगी और थोड़ी देर ना थक गई थी फिर मैं सो गई। खुद को भी थोड़ा सा टाइम देना होता है। ये देखिए मैंने पानी इसका निकाल दिया है और याद रहा तो अभी देखिएगा यहाँ पर ये देखिए टाइम भी बता देती। और ये ना संडे का ब्लॉग है और ये इस पर ना ये सब लोग पाउडर लगाते हैं तेल लगाते हैं ना तो शीशे में देखते उस पर इस पर भी छींटे चले जाते काफ़ी ज़्यादा। और सोना तो तेल के हाथ ही इस पर लगा देती हैं वो साफ़ करती हैं ये नहीं पता तेल के हाथ उस पर लग बहुत गंदा हो गया था। तो मैंने इसको एक बार गीले कपड़े से साफ़ किया एक बार सूखे से। ये आ गए थे ये काफ़ी लेट आए थे और टाइम 7:30-8 बजे का हो रहा होगा। ये काम ना मैं ज़्यादातर रात को ही अब निपटा देती हूँ क्योंकि सुबह फिर नहीं होता है धूप आ जाती है फिर मन भी नहीं करता। ये देखिए मैंने बोला ना आपको टाइल दिखाऊंगी देखो ये पेटीकोट में से निकला है। ये देखिए छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये अब ना वो टाइल वाला वो नहीं आता उससे साफ करना पड़ेगा वो क्या कहते हैं टाइल साफ़ करने का वो आता है वो पहले जो मैंने मंगाया था वो ही मंगाऊंगी। खूब इन्होंने रगड़ा मैंने रगड़ा पर कहाँ साफ़ होता है। अच्छा यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंने आलू चावल बना लूँगी थोड़े से आलू की भुंजिया बना लूँगी और रायता कुछ भी नहीं बना रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वो था न्यूज़ में भी देखा था बहुत आज गर्मी है यहाँ। तो मैंने ना ठंडा ठंडा सा बनाया 5-6 रोटियाँ सेकी और चावल बनाए रायता बनाया और 4 आलू काट के उनमें प्याज डाल के भुंजिया नहीं होती है वो कर ली। इससे काम हो गया और शाम का तो मतलब रात का तो हो ही जाता है और सुबह का थोड़ा सा टेंशन रहती है। यहाँ पे जो मैंने बताया था ना पीछे वाली दीदी ने पानी ठंडा पिलाया तो इसमें रुआबजा भरा है वही वाला रुआबजा चीनी डाल के नहीं पिलाते हैं तो वही है पर इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें आपको कोई कलर नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें दूसरा वाला पानी मिक्स कर दिया है। अभी तो
पानी पीते रहो बस, और कुछ भी मत करो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आलू छील लूँगी। और बच्चे जब स्कूल जाते तो तब भी हम लोग रात को ही सारी प्लानिंग करके सोते हैं कि क्या बनाएंगे टिफ़िन में क्या नहीं, नहीं तो सुबह आधे घंटा तो यही सोचने में लग जाएगा बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाए के। तो वह अभी इतना टेंशन नहीं, अभी तो कुछ भी बना लो कुछ भी कर लो। पर अब कुछ दिनों बाद स्कूल से फिर से खुल जाएंगे, फिर से हमारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। पर ठीक भी है, बिजी रहते तो सही लगता है। ये देखिए मेरा रायता तैयार है, मैंने तड़का दे दिया, इसे फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, इस तरीके से है। सोना को हमने नहीं दिया है, सोना के लिए बताया ना आलू की भुजिया बनाई थी और कोई शेयर नहीं की, क्योंकि आए दिन वही करो तो कुछ अच्छा। ये मेरे चावल हैं, इसमें रायता डाल के आप लोग भी आइए, बहुत अच्छे बने थे चावल। और ना सुबह से गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं खाया गया। यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है, रोटियों में घी लगा के रख दूँगी, चकला बेलन धो के रख दूँगी, गैस को साफ़ कर दूँगी, स्लिप को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सारे के साथ साथ बताती इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप वीडियो से अच्छा लगता है, आपको मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ आलस आता है पर थोड़ा सा लग जाते हैं ना तो नहीं आता। तो बस आटे में मैंने टिफ़िन में आटा कर लिया, इसको समेट के और बर्तन स्लिप साफ़ कर दूँगी। अच्छा ये सुबह सुबह का टाइम है, उसके बाद मैंने खाना पीना खा के कोई वीडियो नहीं बनाया। ये सुबह सुबह का टाइम है, 4:30 बज रहे होंगे या इससे ज़्यादा, क्योंकि ये जा रहे थे गाड़ी लेके, क्योंकि इनको अंगोछा चाहिए था। रात को मैंने कपड़े नहीं उठाए थे, देखिए सामने वाली भी उठ गई हैं। इन्हें अंगोछा और मास्क इनको देना था, ये गाड़ी पे जा रहे थे इस वजह से, और कपड़े सूख गए थे, फिर मैंने बोला बाद में उठा लेती हूँ। अच्छा ये जाने से पहले यहाँ पे पानी टपक रहा था, ये सीढ़ियों से फिसल गए, पानी हो रखा था नीचे वाली सीढ़ियों पे, तो मैंने बोला पहले इसको सही करके जाओ। कूलर की ना घास निकल रखी थी, तो ये चाय हम लोगों ने पी ली थी इनके साथ, मैंने बच्चे सो ही रहे हैं, सोना उठ गई थी, सोना मेरे साथ उठ गई थी, पर दोबारा से मैं उनको सुला दूँगी ना तो सो जाए। खटर पटर होती है ना, चाय बनाते हैं अदरक कूटते हैं छत पे गई वो करके तो बच्चे जग जाते हैं, तो इस वजह से ये बता रहे थे। घास ना थोड़ी सी बाहर निकल गई है ना तो उसकी वजह से पानी टपकता है, तो सारा ना सड़क पे पानी जाता है, तो फिर अब उन्होंने थोड़ा कर दिया है पर तब भी निकलता ही रहेगा। अच्छा ये सिरप ना वंशिका के लिए, वंशिका के जब अभी तबीयत ख़राब हो गई थी ना तो भूख नहीं लगती थी, डॉक्टर ने उनको ये सिरप लिखा था, थोड़ी सी दवाई रह गई है। और वंशिका की रबड़ बैंड हर जगह पड़ी रहती, हर जगह। अच्छा ये डस्टिंग वगैरह ना मैं जब टाइम मिले तो कर लेती, तो मेरे ना फूल वूल कितने सुंदर से ही रहते हैं, धूल भी जमी नहीं दिखती है, और कभी ज़्यादा दिख जाए तो सरफ के पानी में थोड़े से भिगो के और कर देती। मैं आपको ना 2 साल पुराने फूल दिखाऊंगी, एकदम से चमक रहे, देखिए ये भी मेरे साफ हैं, इसको मैंने झाड़ दिया है, बच्चे सो रहे हैं और तो मैंने बोला कर ही लो और फिर जाके। अच्छा ये चले जाते ना मैं दोबारा से सो जाती हूँ अगर नींद आ रही, क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत ठंडा मौसम रहता है और मुझे आ जाती है नींद। ये देखिए मेरा ऑल आउट, एक लगा हुआ एक ये भरा हुआ, 2 मंगाए थे ना तो इस वजह से। अच्छा यहाँ पे मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो फिर मैंने बोला अब क्या सोऊँ रहने देती हूँ। मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया है, बच्चों को उठा के बेड पे लिटा दिया है, सोना जग चुकी हैं अभी, देखना मैं सोना को ही बुला रही थी अपने पास, तो सोना आ रही, मैं सोना को दोबारा सुला दूँगी क्योंकि फिर वो काम नहीं करने देंगी। सुबह सुबह हवा चलती है तो मुझे ना डर लग गया है, कुछ घुस घुस आ जाए आँख आँख में। तो देखिए सोना के बाल, इनको सुला दूँगी दोबारा से, और बस ये वीडियो अभी मैं आपको डालूँगी, वही वाली एडिट कर रही हूँ, जब टाइम मिले तभी कर लेना चाहिए, बस स्पीड ढीली हो गई तो कुछ नहीं हो पाया, लगे रहे तो सब हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर